अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल जब्बार है और आप मेरा यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हैं। आज दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको मोटर चेक करने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा कि इंडक्शन मोटर को किस तरीके से चेक करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल में और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आइंदा मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों ये देख लें आपके सामने, ये इंडक्शन मोटर है दोस्तों। इसके 6 टर्मिनल होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये कॉइल टू कॉइल चेक करते हैं कि कॉइल टू कॉइल का रेजिस्टेंस क्या है। ये देख ले दोस्तों, ये 3.8 ओम्स बता रहा है, ठीक है। दूसरे कॉइल के साथ इसको नहीं बताना चाहिए। इसी तरीके से आप देख लें, इस ब्लू वायर के दो वायर जो है, ये कॉइल है, ये भी 3.8 ओम बताया दोस्तों। और दोनों रेड वायर के देख लें दोस्तों, ये भी 3.7 बताया, ठीक है ना। ये देख लें, ग्राउंड के साथ नहीं बता रहा, ठीक है। ये देख लें, दोबारा देख लें, ये आपने देख लें दोबारा दोस्तों, ये ब्लू वायर के साथ येलो को अगर अब चेक करेंगे तो नहीं बताना चाहिए। इसी तरीके से रेड को चेक करेंगे, नहीं बताना चाहिए, ठीक है। कॉइल टू कॉइल जो है ना, इसे किसी हालत में भी नहीं बताना चाहिए। इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ये देख लें दोस्तों, ये मैं अभी येलो और ब्लू को आपस में देख रहा हूँ और रेड के साथ, तो देख लें दोस्तों ये नहीं बता रहा, ठीक है ना। ये इसका कॉइल टू कॉइल चेक करने का तरीका, ठीक है। ये बॉडी के साथ देख लें, ये ग्राउंड को चेक करते हैं बॉडी के साथ कि कॉइल अर्थ तो नहीं है, बॉडी के साथ टच तो नहीं है। देख लें बॉडी के साथ, ये बिल्कुल नहीं बता रहा, ठीक है ना। ये देख लें, ये बॉडी के साथ बिल्कुल नहीं बता रहा, ठीक है। ये इसके अर्थ टेस्टिंग का तरीकाकार होता है दोस्तों, ये मोटर चेक करने का। एक दफ़ा और देख लें दोस्तों, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये देख लें, ये कॉइल के साथ नहीं बताना चाहिए ये आपस में, ठीक है। सिर्फ कलर टू कलर, जैसे ब्लू ब्लू, येलो येलो और रेड रेड को बताना चाहिए, ठीक है ना, जो मैंने आपको दिखाया। अब मैं इसके स्टार पॉइंट पर, चूँकि मोटर स्टार पर चलना दोस्तों, तो स्टार पॉइंट लगा दिया। अब इसका मैं कनेक्शन करके आपको मोटर को चला के देखता हूँ दोस्तों, ठीक है। अब ये देख लें दोस्तों, ये इसके जो है ना ग्राउंड और 5 पिन के साथ ग्राउंड को मैं पहले चेक करूँगा कि ग्राउंड वायर कौन सा है, फिर उस ग्राउंड वायर को मैं बॉडी के साथ लगाऊंगा दोस्तों। ये देख लें, ये वायर बता रहा है दोस्तों, ग्रीन ग्रीन वायर हमारा ये ग्राउंड के साथ बता रहा है, ठीक है ना। अब मैं इस बाकी के साथ नहीं बता रहा, तो ये ग्रीन वायर को मैं इसके बॉडी के साथ लगाऊंगा क्योंकि ये इसकी अर्थ होगा, ठीक है, मोटर को, ताकि किसी वजह से मोटर पे कहीं से भी कोई लीकेज आए तो इंसानी जान को कोई ख़तरा ना हो। सबसे पहले मैंने अर्थ को कनेक्ट किया। अब देख ले दोस्तों, ये कनेक्शन हमारा कंप्लीट है, ठीक है। अब मैं इस मोटर को पावर के ज़रिए रन करके देखूंगा कि आया ये मोटर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है, या कोई मसला है। इसके एम्पियर चेक करके देखना है मुझे कि इसके एम्पियर बिल्कुल इक्वल आना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ये देखे मैंने पावर 5 पिन पावर केबिल लगा दिया इसके साथ। ये देखें, मोटर को मैंने रन कर दिया है, ठीक है ना। अब मोटर के एम्पियर को चेक कर लें। ये देख लें, 1.3 एक फेस पे है, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरीके से तीनों कॉयलों पे आपने चेक करना है, इसके तीनों टर्मिनल पे सेम आना चाहिए। ये देख लें, ये 1.2 है, पहला वाला 1.3 था, ठीक है ना दोस्तों। ये देख लें, ये भी चेक करके देख लें आप। ये तीसरा को भी देख लें, ये भी मैंने चेक करके देख लिया, ये भी 1.3 एम्पियर है, ठीक है ना। ये 1 HP का मोटर है दोस्तों, ये अपने लिहाज से इसका करंट सही है बिल्कुल, ठीक है ना दोस्तों।